हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक अग्निहोत्री फ्रॉम स्प्रिंगडेल कॉलेज पीलीभीत एंड आई वेलकम यू इन मैथ्स प्लैनेट। टुडे सेशन वी विल लर्न हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज इफ दीज आर अप्लाइड इन क्वेश्चंस हैविंग वेरिएबल्स एंड क्वेश्चंस हैविंग न्यूमेरिकल्स। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इनमें आप लोगों को वेरिएबल्स का यूज करके आइडेंटिटी यूज करनी है एंड यहाँ पे क्या करना है आपको न्यूमेरिकल जो दे रखी है वैल्यूज उसमें आइडेंटिटीज का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इन प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। आई होप इन दिस सेशन यू विल बी मच क्लियर अबाउट दोस कॉन्सेप्ट्स आल्सो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट विच आइडेंटिटी इट इन दिस क्वेश्चन विल बी अप्लाइड एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई। फर्स्ट पार्ट इज 2x minus 1 upon x whole square, 1 upon x whole square. So we can clearly see this is first term, this is second term, first term a, second term b, a minus b का whole square यहां पे लिख देंगे हम लोग एरो बना के a minus b whole square equal to identity जो यूज हो रही है वो हो रही है हम लोगों की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये तो आप लोगों को पहले से ही लर्न होगी आई होप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहां पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो फर्स्ट टर्म हम लोगों का ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सेकंड टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है बी। नाउ वी विल एक्सपेंड इट, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे सब जगह पे a के प्लेस पे क्या रखेंगे 2x, a का स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर है प्लस में तो 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a की जगह पे 2x रख दिया जाएगा एंड b की जगह पे 1 अपॉन x रख दिया जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व इट, 2x स्क्वायर, न्यूमेरिकल का स्क्वायर अलग किया जाता है, वेरिएबल का स्क्वायर अलग किया जाता है। न्यूमेरिकल का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की मल्टीप्लाई हो जाती है एंड वेरिएबल वेरिएबल की, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की होगी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, x की x है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में दिस विल बी कैंसिल्ड। सो फाइनल आंसर इज दिस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। This is the required solution of question. Now, we will move forward towards next question, that is second part of first question. Second part is 2x plus y into 2x minus y Yes. First we have to find out which identity it will here will be used. 2x, 2x, same है, y, y, same है. That means, अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें, तो ये वाला भी a है और ये वाला भी term क्या है? b है. तो a plus b into a minus b. हम लोगों को यहाँ पे identity use करनी है कौन सी? a plus b into a minus b. आप लोगों को याद आया होगा, ये identity किसकी होती है? a square minus b square. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे हमें ए की वैल्यू तो पता ही है 2x, अब ए का हमें क्या करना है स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, 2x स्क्वायर दैट विल प्रोड्यूस 4x स्क्वायर, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था 2x का जब स्क्वायर करते हैं तो 4x स्क्वायर आता है, यहां पे भी 2x का स्क्वायर करने पे 4x स्क्वायर आएगा एंड y स्क्वायर इक्वल टू दिस। This is your required solution for second part of first question. Okay. पहले वाले का solution इस side है और second वाले का solution नीचे की तरफ। ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग? Now we are moving forward towards our third part of the same question, that is first question. थर्ड पार्ट आप लोग देख रहे हैं यहां पे ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, हेयर इज अ होल स्क्वायर,
तो अगर इसे हम a मान लें, इसे b मान लें, सो आइडेंटिटी यूज्ड विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार लिखते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी जो यूज होने वाली होगी वो होगी आपकी, अगर हम a माइनस बी की फॉर्म में ना लिखें, अगर हम ऐसे लिखें x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ओके, तो अगर हम इन दोनों टर्म को कंपैरिजन करें, इसका और इसका, तो फर्स्ट की जगह पे यहां पे x दिख रहा है, यहां पे सेकंड में y दिख रहा है, यहां पे फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं x और इस पूरे टर्म को मान लेते हैं y। ओके, नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला से कंपेरिजन करेंगे तो फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट इज टू ए का मतलब है ए स्क्वायर बी इंटू ए बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जब स्क्वायर के ऊपर एक किसी पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, पावर के ऊपर पावर होती है, तो हमें पता है पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा ए टू द पावर फोर, और बी के प्लेस पे हो जाएगा बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो गया है। नाउ सेम थिंग विल बी डन हियर ऑल्सो, ए का हो जाएगा स्क्वायर एंड बी की पावर आ जाएगी फोर माइनस। अब हम लोगों को जब टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी होती है वेरिएबल टर्म्स की, तो न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल के साथ मल्टीप्लाई और सेम वेरिएबल की सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो टू के अलावा कोई न्यूमेरिकल है नहीं, तो हम लोग टू ऐसे ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर है और ए वन पावर है, तो टोटल पावर ए की हो जाएगी थ्री ए क्यूब। सिमिलरली बी की पावर यहां पर वन है, यहां पर टू है, तो बी की पावर भी कितनी हो जाएगी थ्री। हम लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर ए, यहां पर पावर है ए की फोर, यहां पे ए की पावर टू और यहां की पावर थ्री, तो टोटल हम लोग पावर अगर कॉमन लें तो पावर कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर। ऑलराइट, जो मिनिमम पावर होती है किसी वेरिएबल की वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इन द सेम वे इट इज बी स्क्वायर बी टू द पावर फोर एंड बी क्यूब, सो वी कैन टेक बी स्क्वायर एज कॉमन बिकॉज मिनिमम पावर ऑफ बी इज टू। अब यहां पर हम लोग देखते हैं बी स्क्वायर तो पूरा बाहर आ गया है और ए की टू पावर अंदर रिमेनिंग बचेगी, प्लस यहां पे हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर पूरा बाहर है, बी की पावर फोर में से टू बाहर है, टू टू क्या होगी ब्रैकेट के अंदर, यहां पे ए और बी दोनों की दो पावर बाहर है, तो सिंगल पावर अंदर बचेगी टू ए बी। ओके ओके, अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर हम वहीं पहुंच जाएंगे, तो ये क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, तो हमारा आंसर कहां पे आएगा, यहीं पे हमारे इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज यू कैन सी हियर ए माइनस 0.1 इनटू ए प्लस 0.1। ओके, तो यहां पे हमें आइडेंटिटी दिखाई दे ही रही है कि यहां पे वेरिएबल भी आया और कांस्टेंट भी आया, तो फर्स्ट टर्म को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा और सेकंड टर्म को कांस्टेंट की तरह जैसे कैलकुलेशन होती है वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। फॉर्मूला विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, ये वैल्यू आपकी ए की दिख रही है और ये वैल्यू बी की दिख रही है, सिमिलरली यहां पे ये वैल्यू ए की है और ये वाली वैल्यू किसकी है बी की। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटी ए माइनस 0.1 इंटू ए प्लस 0.1
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू ए की प्लेस पे रख दी जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 0.01, ओके 0.0। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ पार्ट, ओके फिफ्थ पार्ट। यू कैन सी इट इज गिवन दैट ए माइनस बी फर्स्ट टर्म हम लोगों को दिखा है 1.5x² माइनस 0.3y² 1.5x² प्लस 0.3y², ओके। सो आइडेंटिटी यूज्ड विल बी सेम एज वी यूज्ड इन फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। 1.5x² माइनस 0.3y² 1.5x² प्लस 0.3y² सो आइडेंटिटी यूज्ड विल बी सेम एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। सो पुट हियर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर विल बी 1.5x² का स्क्वायर, ओके माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.3y² के ऊपर स्क्वायर। इस बात का ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आपका एक स्क्वायर तो एक ही वैल्यू में ही दिया हुआ है और दूसरा आपको ऊपर से लगाना है, फॉर्मूला वाला, ये वाला तो पहले से ही टर्म में प्रेजेंट था और दूसरा वाला आपकी आइडेंटिटी में प्रेजेंट है, सो हियर विल बी होल स्क्वायर ऑल्सो। तो हम लोगों को अब क्या करना है, जब भी कोई पॉइंट का नंबर दिया हो, आप ध्यान से सुन लें, जब भी कोई पॉइंट वाला नंबर दिया हो, डेसिमल नंबर दिया हो और उसका स्क्वायर करना है या फिर आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आप पॉइंट को भूल जाएं, आप जो कैलकुलेशन करेंगे आप पॉइंट को भूल जाएं और बाद में पॉइंट इकट्ठे कैलकुलेट करके एक साथ पॉइंट लगा देंगे। जैसे 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में पॉइंट 1 डिजिट की जगह कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद। तो अब आप ये ध्यान रखें कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है और पॉइंट को भूल जाए। नाउ वी हैव 15 का जब स्क्वायर करेंगे इट विल बी 225, ओके 225। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है, 2 डिजिट के बाद, तो पॉइंट यहां पे लग गया, ओके। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 0.3, मैंने पहले भी कहा था कि पॉइंट को भूल जाए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 9 में 2 डिजिट के बाद जब पॉइंट लगाना है इट विल बिकम 0.9 और y स्क्वायर का स्क्वायर होता है y टू द पावर 4। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 1.5 का स्क्वायर करना है, 2.25 कैसे आया, हम लोग देखते हैं कि 1 डिजिट के बाद जब पॉइंट होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो डिजिट्स डबल हो जाते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 15 का स्क्वायर 225 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगते हो गया 2.25। इसी के साथ में जब बात आई है 15 की तो एक शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग सीख लेते हैं यहीं के ही। क्या होता है जब भी कोई नंबर आपको ऐसा दिया हुआ हो जिसके एंड में 5 हो या फिर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जैसे कि 15, जैसे कि 25, जैसे कि 35, 75, 95, ओके इस टाइप के जितने भी दिए होंगे, 85 कर लेते हैं इसे, इस टाइप के जितने भी दिए होंगे नंबर आपको, अगर आपका स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 25 लिख लेंगे जो कि 5 का स्क्वायर होता है, पीछे वाले नंबर की उससे नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। पीछे नंबर को दिया हुआ है 1 का नेक्स्ट नंबर होता है 2, 2 1 2, सो स्क्वायर विल बी 225। अगेन वी विल डू द सेम थिंग, 25 यहां पे लिख देते हैं और पीछे का डिजिट है 2, 2 की 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 का 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 का 12, स्क्वायर विल बी 1225। नेक्स्ट इज 7, 25 को ऐसे ही लिखेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 8 से, 8 7 जा 56। नेक्स्ट इज 25, 8 की मल्टीप्लाई 9 से, 8 9 जा 72। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक यू कैन अप्लाई इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ देयर इज अ वैल्यू गिवन एंडिंग विद यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस 5, ओके। नाउ गाइस
we will move towards our second question, that is we have to find out, evaluate the value of given questions using identities, but here are given only numerical values. Okay, so first what we need to do, we will convert these values into identity form. All right, it is very easy, don't find it difficult. First part of second question is 399 का स्क्वायर करना है आपको. तो अब सबसे पहले कोई ऐसा नंबर इमेजिन कर लेते हैं जो 399 के आसपास का राउंड फिगर है. 399 के आसपास का राउंड फिगर का नंबर आपको दिख रहा है 400. ओके, 400 हम लोग इसे ब्रेक कर लेते हैं. 400 माइनस 1 होता है 399. तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जब वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से लिख दिया हमने और स्क्वायर अपने प्लेस पे लगा हुआ है. नाउ वी विल अप्लाई एन आइडेंटिटी ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर हो जाएगा 400 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab. 2 इंटू ए की वैल्यू है 400, बी की वैल्यू है 1. ओके, सो दिस इज आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. 400 का स्क्वायर होता है 400 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1,60,000 प्लस 1 माइनस 24 का होता है 8,800. ओके, आप लोग अब क्या करेंगे, 1,60,000 में से 800 माइनस करेंगे तो 1,59,200 प्लस 1, इसमें से इसे माइनस किया और प्लस 1 कर दिया है 159,199. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 2. पार्ट 2 इज 0.98 स्क्वायर. अब हम लोग देख सकते हैं इसे अगर राउंड फिगर में लाना है तो हम लोग लिख सकते हैं 100. अगर 98 को आप लोग इमेजिन कर लीजिए, 98 को इमेजिन कर लीजिए तो 98 किसके आसपास का नंबर है, 100 के आसपास का. ओके, 100 तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.00 माइनस 0.2. ओके, तो आ जाएगा 0.98. अब हम लोग फिर से इसे सेम आइडेंटिटी से करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस 2ab. वन प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 माइनस 0.4, तो 1 और इसमें 0.04 ऐड हो जाएगा तो 1.04 माइनस 0.4. तो हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे 1.04 माइनस 0.4 4 10 माइनस 6.64. तो यहां क्या होगा 0.64 आपका आंसर आ गया. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई आइडेंटिटीज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इफ दे आर गिवन. ओके, नाउ using some different identity, next question will be done here and you will be easily get to understand that how we are going to apply the identity. हम लोगों को सिर्फ माइंड में ये सोचना है कि राउंड फिगर में आसपास का नंबर कौन सा होता है. 991 थर्ड क्वेश्चन इज 991 मल्टीप्लाई 1009. अब आपको यह सोचना है कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें टू टर्म्स होते हैं. हम लोगों को अभी तक जो आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है ज्यादातर क्या दिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी. देखते हैं हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये वाला नंबर आप देख सकते हैं 1000 से 9 कम है और ये वाला 1000 से 9 एक्स्ट्रा है. तो हम लोग कर सकते हैं 1000 माइनस 9 एंड 1000 प्लस 9. इसे हम लोग 1000 माइनस 9 लिख सकते हैं और यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 9. ओके, अब हम लोग इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं. a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर.
ए स्क्वायर, जब भी आप जीरो जीरो वाले नंबर्स को, जब भी आप इस टाइप के नंबर दिए हो कि जीरो जीरो दे रखा है और आपको स्क्वायर करना हो, तो आप एक काम करेंगे, सिर्फ नंबर जीरो को छोड़ के जो नंबर है उसका स्क्वायर करके लिख दें। वन का स्क्वायर कितना होता है? वन। ओके, और आगे जितने नंबर है उसके डबल जीरो, उसके डबल कर देंगे। तीन जीरो है तो क्या कर देंगे? सिक्स जीरो यहां पर अप्लाई कर देंगे। इट बिकम्स 10 लाख माइनस 81। 10 लाख माइनस 81 करेंगे तो आराम से हो सकता है ओरली 10 लाख। यहां पे आप अगर लिख के करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, 10 लाख माइनस 81। ये मेथड तो आपको पता ही है, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 1 9, 9 8 1 9 9 9 9 99 लाख, सॉरी 9,99,990। This is your final answer for this type of question. Guys, this is all for today's session. And if you have liked this video and if you enjoyed this video, then please like button. And if you are new on the channel, then first subscribe the channel so that you can watch upcoming video of Maths Planet. In next video, we will learn some new concept applying in mathematics. Till then, take care. Thank you.